दिए में पूछ रही तेल डाला है। और आप कैसे कैसे करोगे? बाय भाभी। बाय बाय। बाय बाय। टेक केयर। यहाँ पे मनीष पूजा कर चुके हैं क्योंकि आज है क्या बोलते हैं विश्वकर्मा डे, तो गोवर्धन पूजा मनीष पूजा कर चुके हैं मंदिर में। यहाँ संगीता अपनी मशीन लेकर आई है पूजा करने के लिए, और उसके बाद हम जाएंगे नीचे अपनी स्कूटी और गाड़ी की पूजा करने, तो वो सब भी दिखाऊंगी अभी मैं आपको। यहाँ पे पूजा होने के बाद अब संगीता अपनी मशीन की पूजा करने वाली है। साफ की है मशीन? हाँ। चलो साफ कर लिया संगीता ने, अब पूजा करेगी। मस्त मिठाई फूल सब लेके बैठी है। गाइस हो गई इसकी पूजा। ओ माय गॉड, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। फूल वूल सब रखे हुए हैं, वेरी नाइस। तूने आज भी बाल धोए हैं? नाइस। मैंने भी नहीं धोए। और हमारे रूम की हालत देख लो, ये दिवाली के आफ्टर इफेक्ट्स है क्योंकि सारा सामान यहीं आके हम रखते हैं। और वो रहे हमारे प्यारे से गुरुजी, और ये रही मोटी। मैं भी तो प्यारी हूं। कहां से? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हमारी दिवाली की वीडियोस आपको कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो जरूर देख लेना। और आज है विश्वकर्मा पूजा, विश्वकर्मा डे, और आज के दिन को गोवर्धन पूजा भी बोलते हैं। तो हम वही अपनी मशीन गाड़ी सब चीज़ों की पूजा कर रहे हैं। आपने मशीन और मंदिर की पूजा तो देख ली, अब हम नीचे जा रहे हैं गाड़ी की पूजा करने और स्कूटी की पूजा करने, तो वो भी दिखाते हैं। चलो क्या करवा रहे हो ये आप? मारे जा रही है आपको ये। ओ। देख। यहाँ पे हमारी दोनों गाड़ी चमक चुकी है, ये वाली भी और स्कूटी भी, और चमका रहे हैं भैया। देखो दिखा दो, बेचारे कब से बैठे हुए हैं, चमका रहे हैं वो बैठ के, बस चमक ही गई है, थोड़ा सा काम बाकी। बैठे हुए हैं बेचारे, एक एक टायर वायर सब चमका दिया क्योंकि पूजा करने से पहले ना अच्छे से गाड़ी वाड़ी साफ की जाती है। अभी तो बाहर से हुई है गाड़ी साफ, अंदर से करनी बाकी है, अभी वो भी करेंगे। और हम सब यहाँ वेट कर रहे हैं, और बैठे बैठे नींद भी आ गई। और यहाँ देखो हमारी प्लेट भी रेडी है पूजा की। दीपू आपको पता है बहुत धीरे बोल रहे हो आप ब्लॉग में, आपके सब्सक्राइबर आपके आवाज नहीं सुन पाएंगे। यहाँ हमारी प्लेट है रेडी, यहाँ पे है हम भी रेडी। और इतनी देर से कर रहे हैं वेट, अब वेट करते करते आ गई नींद। अभी भी उधर गाड़ी का कार्यक्रम चल रहा है साफ करने का, देख सकते हो आप कितनी मेहनत से साफ की जा रही है गाड़ी। अब हमने शुरू कर दिया पूजा, और पहले से बनाएंगे हम स्वास्तिक। अभी स्कूटी पर भी वो स्वास्तिक बना रही है, मैं आपको आगे से दिखाऊंगी। पूजा हो जाएगी तब जब बन जाएगा स्वास्तिक इसके बाद। यहाँ पे बन चुका है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। आज देखो यहाँ पे कुकिंग चल रही है, तीन लोग हैं इस किचन में राइट नाउ। यहाँ पे दीपू आई है मेरे को दिखाने के लिए ये कैंडल्स दीपू ने बनाई है। देखो तीन दीपू शंकु ने भी है, चलो ठीक है मिलके बनाई है। कैसे बनाई है बताओ? वेस्ट कैंडल थी जो दिवाली पे, तो ये सारी कैंडल जो वेस्ट कैंडल हमने जलाई थी, वेस्ट नहीं हमने तो अच्छी कैंडल जलाई थी दिवाली पे, तो जल के जो बच के जो वेस्ट जो लास्ट का मोम बचता है वो मैंने सारी इकट्ठी कर ली, पीछे वाली बालकनी से भी आगे वाली बालकनी से भी, और दो तीन कैंडल लेनी पड़ी मुझे इसको इतना बनाने के लिए। तो ये इतनी सारी मैंने पिघला के उसको पैन में,
उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया और इसमें रस्सी डाल दी। अब ये कैंडल अच्छे से जल रही है, जला के जला के भी दिखाएगी। सुंदर लग रहा है, मॉइस्चराइजर का डब्बा है, ये सारे कांच के डब्बे है, ये मेरे कलर है, एक्रेलिक कलर आते हैं उसके डब्बे हैं, और ये एक गिलास पड़ा था छोटा सा उसका है। ये देखो, ये थोड़ा जलने में क्या हो गया, जलेगा जलेगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है, एक तो जाएगा मेरे रूम में, बाकी दीपू दो कहीं भी रखे। एक कहाँ रखूंगी, एक मैं गमले गमले में रखूंगी। ठीक है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर बनाते तो और यूजफुल हो जाता है। और ठीक है, अभी तो चल ही रहा है, फिर बना लेंगे दिवाली। पता है हमारे पास एसेंस नहीं था, वरना अगर हम इसमें एसेंस डाल देते ना तो। हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया। जलाई दीपू ने सिर्फ आपको दिखाने के लिए थी। मस्त लग रहा है दीपू, बहुत अच्छा बनाया। अभी इसका कलर इसलिए इतना ये ब्लैक ब्लैक हो गया क्योंकि ये सारे वेस्ट थे ना, तो सारा मिक्स होके ये कलर बन गया। पता है इसका कलर दूर से कैसा लग रहा है, जैसे गोलगप्पे के पानी का कलर नहीं होता, हाँ। वैसा कलर लग रहा है। सबसे ज्यादा क्यूट मेरे को ये वाला लग रहा है। टूपी आज पिटेगी ऐसे बहस कर रही है ना। ये नीचे मारा भी है मैंने इसको खूब। व्लॉग में आया है, व्लॉग में आया है, व्लॉग में आया भी है। फोन बज रहा है आपका, देख लो आप जाके आपके चाय पी लो। चाय भी बन गई है यहाँ पे शाम की। मम्मी और दीपू गए थे मार्केट, तो वहां से लेकर आए हैं हम सब के लिए गोलगप्पे, और हम सब यहाँ पे बैठे हैं गद्दा डाल के गोलगप्पे खाने के लिए। देखो यहाँ पे मीठा पानी है, ये तीखा पानी, गोलगप्पे, वेरी नाइस। हम सब खाते सूजी के गोलगप्पे में, टेस्ट करते हैं। और जिसको आटे के पसंद हो तो, पर हम सबको तो सूजी के पसंद है। तो वो भी सूजी के खाओ, वो भी सूजी के खाओ, क्योंकि हमें सूजी के पसंद है। तो फिर खा के तो बता कैसा है। मैं खा के और क्या, चलो खा लेती हूं आपके कहने। गोलगप्पा मेकिंग। हमारे बैकग्राउंड में एक इंसान है जो कि ना बार बार गाने चला रहा है। कैसा दीपू? दीपू की बोलती बंद हो गई। इतना बढ़िया है, अच्छा है, अच्छा है। चलो सब लोग खाओ, सब लाइन में बैठे खाने के लिए। तेरे से भोग लगवाया ना हमने। The next day. देखो आज हमारी भाभी कितनी प्यारी लग रही है, क्योंकि आज है भाई दूज और भाभी के भाई आ रहे हैं। मैं दिल्ली नहीं जा सकती थी तो भाई यहाँ आ गए हैं, और हम हमेशा की तरह कैमरा ऑन करके खड़े हैं। और आज भाभी ने सलवार पहनी है, तो ये देखो कितनी सुंदर लग रही है भाभी। कैमरा लेके खड़े रहते हैं। ये देखो आ गए भाभी के भाई। अंदर धक्का मारो फिर खींचो। आप कब उठे थे भाभी? हेलो चिक चिक क्या होता है। अब चाय पानी भाइयों को पिला दिया, तो अब मैं टीके की तैयारी कर रही हूँ, तो वही सामान लेने आई थी, तो ये चिक चिक करके मेरे से वीडियो बना रही है। मैं भाभी की लैंग्वेज बोल रही हूँ, भाभी को कुछ चाहिए होता उसका नाम याद नहीं है ना, भाभी कहती है चिक चिक दियो, ऐसे कहती है। क्या क्या चाहिए आप बताओ, मैं देती हूँ। टीका मिल गया है, और ये जो जला लेती हूँ इसी में जला लूँ क्या? जला लो, ये उसमें नहीं, ये वाला अच्छा, ये ले लो, मतलब अच्छा तो दोनों ही है, ये ले लो। No. कैसे कैसे कर देंगे भाभी? मैं तो सूखा दिए में पूछ रही, तेल डाला है। और आप कैसे कैसे करोगे? उल्टा है, सीधा है, सीधा है, है। ए, ए, खुद को पता नहीं, खुद को पता नहीं आरती कैसे करते हैं। देख भाभी कर रही
आज हम पहली बार देखेंगे भाई दूज, पहले बता दो ना लोग कहीं उसको नहीं लगा रहा हाँ। दीदी नहीं आई हाँ। भाई हमारे घर पे भाई दूज नहीं मनाया जाता, हमने शुरू से नहीं मनाया तो अब भी क्या करेंगे मना के ना भाभी हाँ। जो स्टार्टिंग से नहीं किया वो अब करके कोई फायदा नहीं है। बट मेरे घर में होता है, मेरे भाई आए हैं उनको मैं भाई दूज करूंगी और फिर शाम को मैं अपनी मम्मी के घर भी जाऊंगी अपने भैया का टीका देने, मतलब भाभी को लगा, हाँ भाभी को लगा दूंगी हाँ। तो फिर अभी चलते हैं दिखाएंगे, बट अभी पहले दिखाते हैं हम क्या करते हैं। डिनर लंच भी बनाए वो भी दिखाएंगे मस्त है। मटर पनीर बनाया दीपू संगीता ने है? एक चीज बोलो संगीता हाँ। हाँ। छोटी मोटी हेल्प में हमेशा जो करती हाँ। है वो छोटी मोटी जैसे पानी दे देना दही में मसाला मिक्स कर देना संगीता हाँ। चलो राउंड राउंड भी करना है ना पहले राउंड राउंड करो ना फिर यही कह रहे राउंड राउंड कोई दाना नहीं सोचा आपने दया की तरह तुम्हें तो वो समझ रहे थे आप नहीं चलता थोड़ा बहुत इसको उसमें रख दियो मंदिर में ताकि जलती रहे ना हाथ वो करके आ जाए दे दो बैक फॉर अस थैंक यू वो बिल भेज देना चाहिए हो रहा है और भी कुछ है ठीक है ओ भाई बहुत नहीं ना अब हाथ लगा जल्दी आशीर्वाद लेना में चाहिए ना मुझे मिले तो ये देखो यहाँ पे इसकी कंफ्यूजन ही नहीं खत्म होती सर्विंग में निकाल ले सब लोग खा लेंगे ना भैया मैं तू तूने खाया है तो फिर हाँ कोई बात नहीं और यहाँ देखो संगीता ने बहुत अच्छी सब्जी बनाई है ओ माय गॉड बहुत सुंदर दिख रही है मटर पनीर और ये बनाया दही भिंडी और यहाँ पे हमारा सर्व हो रहा है हमारे घर में जरा सा भी कुछ होता है ना देखो हमारा पूरा किचन फैल जाता है क्योंकि ऑब्वियसली भाई चीज़ें निकलेंगी तो बाद में इसे मिटेंगी और संगीता यहाँ पे रोटी बना रही है फटाफट से और मैं सर्व करती जाऊँगी मदर इन लॉ भी आ रही है पायल की आवाज़ से हम समझ गए मदर इन लॉ आ रही है उस दिन रात को ममता दीदी बोलती कि प्रियंका चल रही है ना तो ऐसा लग रहा है मम्मी आ रही है पायल की आवाज से उसमें थी मम्मी संगीता को हटा रही है कि तू हट मैं जल्दी करूंगी 6 बजे सोने गए तो हम लगा मम्मी से मिल लेते मम्मी आई बात हमारी पायल के बाद से तो कंफ्यूजन होती है इन बिचारों को ला रहे हैं खाना यहाँ पे हम सब कर रहे हैं लंच और दीपू कैसा बना है लंच अच्छा बना शंकु ने बनाया है असिस्टेंट शेफ है दीपू ये सामने बैठे हैं दोनों बच्चे कैसा बना है खाना बहुत अच्छा भिंडी है ना और ये देखो ये रहा हमारा खाना मटर पनीर और भिंडी रोटी राइस सैलेड बीटरूट सैलेड बीटरूट कुछ मिस नहीं होना चाहिए ना इसलिए हम तेल वाली भिंडी खाते हैं और मटर पनीर खाते हैं जाना है ना जाना है
चाबी लियो गाइस, हमारे पेड़ पे आए हैं अमरूद। ये देखो, पता है एक दिन पहले क्या हुआ था संगीता? एक दिन पहले भी अमरूद आया था, ठीक है। मम्मी हमें बहुत दिन से बोल रही थी तोड़ लो नहीं तो कीड़ा खा जाएगा। एक दिन मैं फूल लेके आई ब्लॉग बनाने के लिए अमरूद का, भाई मैं अमरूद ढूंढ रही हूँ, अमरूद ही ना मिले। भाभी मेरे को आके बुला के लेके देखियो। मेरे को लगा कि मुझे नहीं दिख रहा, फिर मैं गई दीपू संगीता के पास, मैंने कहा तुम लोग आओ, तुम लोग देखो मुझे नहीं दिख रहा। इन लोगों ने भी देखा, नहीं मिला। आखिर में हमने सारा फ्रिज व्रिज सब छान लिया और हमें कहाँ मिला, वो अमरूद मंदिर में, मंदिर में चढ़ाया था पापा ने, पूजा करके पापा ने वहाँ पे चढ़ा दिया था कि फिर थोड़ी देर में खाएंगे। अब मैं उतार रही हूँ, देख लो गाइस, ये देखो। और आज मैं खाने वाली हूँ, अभी दिखाते हैं यहीं से ना। हाँ, यहीं से तोड़ दो। वाह, इसके 6 बंटवारे होंगे गाइस, एक अमरूद और 6 बंटवारे और नींबू भी। नींबू भी देख लो भाई, इतने सालों में एक नींबू आ रखा है। एक नींबू आया बट चला तो गया। हाँ, इसका हम वो बनाएंगे, क्या नाम है, नींबू शिकंजी बनाएंगे, सैलेड पे डाल के खाएंगे, थोड़ा थोड़ा पियेंगे, एक एक घूट एक एक बूंद ले लेंगे ना, ऐसे करके निचोड़ लेंगे। चलो भाई 6 बंटवारे करते हैं इसके। घर की खेती का ना स्वाद ही अलग है। अब देखो ये एक अमरूद में भी इतनी खुशी हो रही है ना, और बाहर से कितने भी पड़े रहते हैं वो। वो देखो दीपू दीदी बाजरा डाल रही है, बाजरा नहीं है, चावल है और वो है। पता है इसमें ना बहुत सारा था और मैंने अभी देखा गायब हो गया सारा, बैठे हुए थे ना। खाते हैं तो बढ़िया है ना, डाल दो दीपू दीदी। बैंगन नहीं आया अभी, बैंगन तोड़ लिया। दोनों भाई आए थे भाई टीका लगवाने के लिए, मेरे को बहुत खुशी हुई। दोनों भाई आए थे बिना मामी के, आए थे पहली बार, है ना। हाँ, पहली बार आए थे मामी के बिना, और बहुत अच्छा लगा। मतलब थोड़ा सा पता नहीं कि अजीब सा फील होता है जब जाते हैं तो, लंच बनाया अच्छा ही लगता है। हाँ, दीपू संगीता ने लंच बनाया था, उनको बहुत अच्छा लगा। जेन्युइनली दोनों बोल रहे थे कि खाना बहुत अच्छा, और स्पेशली भिंडी। और वैसा ना बोल रहा था, वैसे मैं खाता नहीं हूँ भिंडी, हाँ, बट ये बहुत अच्छी लग रही है। और मुझे गिफ्ट्स भी देके गए हैं भाई, वो भी और दिखाएंगे ना। हाँ, दिखाएंगे शायद, पता नहीं, देखते हैं। अभी हमने नहीं देखे हैं, अभी हमने डिसाइड नहीं किया है दिखाना है कि नहीं। देखिए छोटू सा बच्चा, ये देखो, ओ ये कितने सारे आ रहे हैं, इधर भी गए हैं। नहीं होते तो चुराहा, हाँ वो लेकर आते। कितने छोटे छोटे हैं ये, कितने सारे हैं, सारे मेल है ये। हाउ डू यू शट अप, फीमेल 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 फीमेल, सॉरी बाय, ऑकवर्ड साइलेंस। चलते हैं बंटवारा करने, रोटी खा दो भैया को खाना। हमारे घर में हुआ आज बंटवारा, तो अभी अभी मेरे भाई गए हैं और वो लोग कुछ गिफ्ट्स लेके गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा है, बट मैं दिखा देती हूँ। एक तो ये है बेसन के लड्डू, नौनी चुप हो जाओ, बेसन के लड्डू जो कि दीपू और मुझे बहुत पसंद है। दूसरी चीज है ये, इसके अंदर स्ट्रॉबेरी स्टिक्स है, चॉकलेट वाली होगी मतलब वो भी। ये पूरा कैडबरी का डब्बा है एक, ये सोन पापड़ी का डब्बा है, और इसमें है रसगुल्ले, और साथ के साथ है मेरे लिए एक लिफाफा। तो ये सब मेरे दोनों भाई लोग देखे गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा है क्योंकि वो दोनों मुझसे बहुत छोटे हैं अभी, पर ठीक है बाद में बात करूंगी उनसे। भाई लोग के जाने के बाद अब हम यहाँ पी रहे हैं चाय, और शंकु भाग गई है, अभी मैं दिखाती हूँ। और यहाँ हम देख रहे हैं अपना ही व्लॉग दिवाली का, आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज देख लेना। और ये री शंकु, ये क्यों भाग रही है वैसे, क्या है ये? अच्छा वो हिंगोलियां आती है ना, वेरी नाइस। शंकु माचिस क्यों रखी है तूने यहाँ पे? ओके चाय पी लो, चलो अब खाना। कैसा लगा अपने हाथ का खाना? बहुत बढ़िया है ना खाना, बहुत अच्छा, जेन्युइनली अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना था खाना। तो आपने दे दिया वैसे भी, कितनी बार आपने तारीफ सुना, आदत हो गई अब तो। ओह माय गॉड, देख रही है दीपू, खाना अच्छा बना था। दोनों अच्छा लगा, शंकु दीपू को दिखा रही है आके। अच्छा पर आपका वाला जो मटर पनीर होता है ना, बहुत मजा आता है खाने। वो इससे तो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ये स्पाइसी वाला है, फिर इसका अलग मजा है, वो थोड़ा मीठा मीठा लगता है, वो मीठा मीठा होता है। अब आप खाना बनाओ
मम्मी तो जा रही है कुछ दिन के लिए, हाँ। ठीक है दीपू, मैं तेरे को अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाऊंगी, पर रात वाला, दिन का तुम बनाना। हाँ ऑब्वियसली वो रहता है, हाँ बाहर आके, बट ठीक है हम रात का खाना बनाया करेंगे, तुम दिन का बनाना, ठीक है। मैं तुम्हें डेली नई सब्जी खिलाऊंगी। गाइस आपने नहीं देखा, आप भी देख लो प्लीज, कमेंट करके बताना कैसा लगा, कैसा लगा अभी जाके देखो, अभी जाके ये ब्लॉग देखने के बाद तुरंत, अगर कमेंट नहीं किया, अगर आपने देख लिया तो कमेंट कर दे, मेरे लिए भी करना, मैं कैसी लग रही थी, मेरी भाभी कैसी लग रही थी, भाभी तो फुलझड़ी, ये कैसा लग रहा था, फुलझड़ी अनार, पटाखा पटाखा जलेबी भाई, कभी कभी घूमते घूमते फट भी जाती है, हमारी फटी थी, आपको ब्लॉग में नहीं है ना शायद, हमारी फटी थी। तो मैंने जब सुबह भाई गए थे ना, मैंने दोबारा से कपड़े बदल लिए थे और मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गई थी, बट अभी मैंने दोबारा से चेंज किया है क्योंकि अब मैं जा रही हूँ अपने घर अपने भैया का टीका देने, मतलब भाभी को टीका लगाने, और मेरे कपड़े मैंने सुबह दिखाए नहीं थे ना, तो अभी देख लो अच्छा लग रहा है। और भाभी की चप्पल का फाइनल लुक ये है कुछ, मतलब साड़ी पे ना पता नहीं लग रहा, नहीं चलता, सलवार पे पता लग रहा है, और पता मैंने सलवार मतलब लाइक फर्स्ट टाइम ही पहनी है, मैंने कभी बनवाई नहीं है सलवार, फर्स्ट टाइम पहनी है, बट इस पे अच्छा लग रहा है ना, कभी सलवार वगैरह पहनना तो ऐसे ही चप्पल पहनना अच्छी लगती है, चप्पल का भी लुक दिखता है, सब कुछ अच्छे से दिखता है। और अब मैं जा रही हूँ घर, मैं आऊंगी परसों वापस, क्योंकि परसों मेरे इन लॉज को कहीं निकलना है, मतलब मेरे जो मदर इन लॉ और फादर इन लॉ है उनको कहीं निकलना है, तो मैं परसों फिर आ जाऊंगी उनके जाने से पहले, तो अभी से घर पे आपको चल के मम्मी पापा से मिलवाती हूँ। बाय भाभी, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय मदर, जल्दी आना, बाय, मेरा तो मैं तो पतली हो जाऊंगी, मैं तो पतली हो जाऊंगी आपकी टेंशन में, कब आऊंगी, मेरे पीछे से देखो तोरी मिलती है वो तो बता, हाँ तोरी बना रही मैं अभी, छीली ली थी, आप भी बन गए, मैं नहीं होती घर पे तो दीपू को ये सब सब्जियां मिलती है, बाय बाय, बाय बाय, मैं छोड़ के आती हूँ आपको, परसों आप आओगे तो मम्मी चली जाएगी, मम्मी भी अपने मायके जा रही है, है भाभी, मम्मी भी अपने मायके जा रही है, बस ये है कि मम्मी का मायका थोड़ा दूर है, इसलिए मम्मी साल में एक बार जाती है, तू तो अपने मायके है ही, मैं तो अभी अपने मायके में ही हूँ, फिर जाऊंगी कभी शादी हो जाएगी तो, बाय, मायके आऊंगी आऊंगी आऊंगी, चलो चलो अंकल आगे चलो, छोड़ने जा रही है, मैं भी चलूंगी, चल मैं भी चलूंगी, चलो बाय मां, बाय बाय मम्मी, हट जल्दी भाई, आगे खा लो, क्या कह रहे हो, मैंने कहा अब टेंशन नहीं होती कुछ, घर पे यहाँ पे रह भी जाएगा ना तो एक कॉल पे आ जाएगा, हाँ चाहे अंकल आ जाए चाहे भैया चल आ जाए, नमस्ते पापा तो स्मार्ट स्मार्ट, नमस्ते अंकल, अंकल गए थे, अंकल आज चेक शर्ट पहन के आए हैं, सुंदर सुंदर लग रहे हैं, गाइस को हेलो बोलो अंकल, हेलो गाइस, हेलो गाइस, तो अंकल आए भाभी को लेने और जा रहे हैं, जल्दी आना, तो दे दे बैग तेरे पास, जल्दी आना, रहेंगे आज, हाँ पता है आज रहेंगे कल रहेंगे, पापा सोचे कहीं अभी थोड़ी देर में वापस छोड़ने आने, चलो मैं आ चुकी हूँ घर, और आते देखो मम्मी को, मम्मी ये सूट के साथ ये कौन सा कॉम्बिनेशन है आपका, तोलिए का आ रहा था तो मैंने अंगूठा उठाया पसीना साफ करने के लिए, बट आपके इयररिंग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं सूट के साथ, वेरी प्रीटी, गोल्ड वाली तो आ रही है, मैं तो ये पहनती हूं आज, अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले किया है कपड़े चेंज, मैंने भाभी को टीका लगा दिया है, भाई का टीका दे दिया है, तो सबसे पहले मैंने किया कपड़े चेंज, और अभी तक मुझे आए हुए मुश्किल से एक डेढ़ घंटा हुआ है, और मैं इतना कुछ खा चुकी हूँ ना, बस मैं व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ, अब मेरे लिए पाव भाजी बन रही है वो भी आपको दिखाती हूँ, मैंने आपको बताया था ना मैं बहुत कुछ खा चुकी हूँ ऑलरेडी, और यहाँ पे और देखो पाव भाजी आ रही है, देख लो विथ प्रूफ, ये भाजी है और ये पाव, और ये भाभी ने बनाया है, और यहाँ पे मम्मी भी बैठे है, खाओ मम्मी आप भी, अच्छा है ना पापा, बढ़िया एकदम, मुंह सही हो गया, मुंह सही हो गया क्योंकि पापा की तबीयत खराब है ना, तो पापा कह रहे हैं कि टेस्ट सही हो गया,